गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। लास्ट के वीडियो में हमने एपलेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एपलेट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी। एक बार हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपलेट है वो एक जावा प्रोग्राम ही होता है जो कि ब्राउज़र में रन होता है। तो ये हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। और जावा प्रोग्राम एचटीएमएल में कैसे लोड होता है ये भी हमने देखा था। एपलेट क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं, और ये जैसा कि हमने देखा ये ब्राउज़र के अंदर रन हो रहा है, ये ब्राउज़र में रन हो रहा है। तो ब्राउज़र कहाँ होता है? क्लाइंट मशीन पर। तो इसका मतलब ये क्लाइंट मशीन में रन होगा। ये हमने जावा का एक एग्जांपल देखा था एपलेट का। इसमें ये कोड लिखा हुआ है और ये हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। ये पैरामीटर कैसे पास करते हैं ये भी हम देख चुके हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम देख चुके हैं। लाइफ साइकिल भी हमने देखा था कि इनिशियलाइज होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर एपलेट प्रिंट होता है, स्टॉप होता है, डिस्ट्रॉय होता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाया है जावा का प्रोग्राम बना के। तो आप प्रैक्टिकली जब करके देखोगे तब आपके ये समझ में आएगा, पांचों जो इसके मेथड है लाइफ साइकिल के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिक्स को डिस्प्ले करना। ग्राफिक्स कैसे डिस्प्ले होगी? तो ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे जावा पैकेज में AWT पैकेज में ग्राफिक्स क्लास। इस क्लास के अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनसे हम अलग अलग तरह की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ कॉमनली यूज्ड ग्राफिक्स मेथड्स हैं हमारे पास में। आइए देखते हैं हम कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास में। एक मेथड होता है ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग हमने पिछले जो एग्जांपल लिया था, प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने काम में लिया था। कोई भी स्ट्रिंग जब डिस्प्ले करनी होती है तो हम ड्रॉ स्ट्रिंग काम में लेते हैं। ये वॉइड है, ये मेथड का रिटर्न टाइप है, एब्स्ट्रैक्ट है और ये पब्लिक है। अब इसमें तीन पैरामीटर्स पास किए हैं। पहले तो स्ट्रिंग, हमें कौन सी स्ट्रिंग मतलब क्या दिखाना है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में लिखा था वेलकम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर, फिर ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो हमारी स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होता है, ये 2D स्क्रीन है। तो ये चलता है इधर एक्स और इधर चलेगा वाई। तो ये जो स्क्रीन है इस पर कौन सी लोकेशन, कौन से पॉइंट पर हमें डिस्प्ले करना है, जब तक हम लोकेशन नहीं देंगे पता नहीं चलेगा ना कहाँ प्रिंट करना है। अगर यहाँ करना है कहाँ करना है, मान लीजिए यहाँ करना है
तो यहाँ के एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, समझ में आ गया आपकी। ड्रो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को ड्रॉ करने के लिए है। पहला पैरामीटर हो गया जो स्ट्रिंग ड्रॉ करनी है, उसको डबल कोट्स में लिख देंगे, उसके बाद में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। फिर इसमें आता है आगे जो मेथड आता है, आगे जो मेथड आता है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करने का आता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, आयत। सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये आपने देखा होगा इस तरह का आयत होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इस तरह का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी आप आयत बना सकते हो। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, आयत बनाने के लिए ड्रॉ रेक्ट। ठीक है, सिंपली जो शेप ड्रॉ करनी है वैसा ही बिल्कुल नाम है। क्या करना है, ड्रॉ करना है कौन सी शेप, रेक्टेंगल, तो ड्रॉ रेक्ट। तो कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है वो तो बनाए हुए हैं इतने स्मार्ट तरीके से। हमें भी अगर कुछ फंक्शन बनाने हैं तो हम फंक्शन का नेम कुछ ऐसा ही रखेंगे जो वो उसका काम है, जैसा काम है वैसा ही नाम, ताकि जो पढ़ने वाला प्रोग्रामर है कोई, या हम भी बाद में कभी फ्यूचर में उसको पढ़ेंगे, तो हमारे पढ़ते ही समझ में आ जाए कि हाँ इस फंक्शन का ये काम है, इस मेथड का ये काम है। तो ये तो नाम हो गया, ये इसका रिटर्न टाइप, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये पब्लिक मतलब इस क्लास के अलावा दूसरी क्लासेज भी इसको यूज कर सकती है। ठीक है, क्योंकि तो ग्राफिक्स क्लास का है ना, और हमने क्या किया है एप्लेट क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक बनाना तो जरूरी है। अगर पब्लिक नहीं बनाएंगे तब हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में int x int y, पहले दो पैरामीटर। ठीक है, ये क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जहां से ये रेक्टेंगल स्टार्ट होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहां पर ये वाला पॉइंट जो लेफ्ट अपर कॉर्नर से जो पॉइंट आएगा सबसे पहले, उसके कोऑर्डिनेट्स हम देंगे, और फिर उसके बाद में रहेगी विड्थ और हाइट। ठीक है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब पहले विड्थ और हाइट। ठीक है, विड्थ का मतलब होगा अक्स डायरेक्शन में कितना चलना है, ये विड्थ हो जाएगी, और वाई डायरेक्शन में कितना चलना है, ये हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है फिल रेक्ट। फिल रेक्ट तो देखिए यहां पर तो क्या करता, ड्रॉ कर रहा था रेक्ट को, समझ रहे हैं आप, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया था। रेक्टेंगल अंदर क्या है, खाली है बिल्कुल, लेकिन यहां क्या कर रहा है, फिल रेक्ट, मतलब रेक्टेंगल ड्रॉ तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, फिल भी होगा, अंदर जो कलर है वो भी फिल करेंगे हम इसमें। तो वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का फंक्शन है और पब्लिक है। ठीक है, पैरामीटर्स वही है, int x और y और विड्थ और हाइट, बिल्कुल वही पैरामीटर रहेंगे। तो ड्रॉ की जगह फिल कर दिया, क्योंकि पहले हम ड्रॉ कर रहे थे, अब फिल कर रहे हैं, मतलब ये रेक्टेंगल तो होगा ही, अब इसके अंदर हमें कौन सा कलर फिल करना है वो कलर भी इसके अंदर यहां पर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम में आएगा रेक्टेंगल को फिल करने के लिए। तो सब मेथड ऐसे ही अब हमारे काम करेंगे, ड्रॉ करने के लिए अलग से फंक्शन है और फिल करने के लिए अलग से फंक्शन है। उसके बाद में रेक्टेंगल के बाद में आता है ओवल, ओवल को ड्रॉ करना है। ओवल क्या होता है, एक सर्किल है वो भी ओवल में ही आता है। ठीक है, सब पब्लिक टाइप के होंगे ये,
रिटर्न टाइप भी सब में वॉइड लिख रखा है और एब्स्ट्रैक्ट टाइप के फंक्शन है। आई एन टी एक्स और वाई ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ से ओवल स्टार्ट होगा, फिर उसकी विड्थ और हाइट आ गई। ठीक है, तो ओवल होता है कुछ इस तरह का शेप। ठीक है, सर्किल भी इसी में आता है। जब सर्किल ड्रॉ होगा उस टाइम पर क्या होगा, जो ये विड्थ और हाइट है ये दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसकी रेडियस बन जाएगी। नहीं तो क्या होगा, ये अलग रहेगी और ये अलग रहेगी। ये अलग अलग रहेगी तो कुछ इस तरह की शेप या फिर इस तरह की बनेगी, और जब बराबर हो जाएगी तो ये बिल्कुल सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल के लिए अलग से फंक्शन की जरूरत नहीं है, ओवल ही अपना काम कर देगा। फिर जैसे रेक्टेंगल में था ड्रॉ करने के लिए था, उसके बाद में फिल करने के लिए, तो ये फिल ओवल। ये देखिए अभी थ्योरेटिकली देख रहे हैं तो हो सकता है कि पूरा समझ में नहीं आ रहा आपके। इस लेक्चर के बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसको प्रैक्टिकली हम एप्लेट में कवर करेंगे, जितने भी फंक्शंस हैं, और आप भी इसको प्रैक्टिकली रन करके देखें तभी आपके समझ में आएगा। अगर आपके पास घर पर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल में इसको रन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ये मैं थोड़ा देखूंगा। अगर इसको मोबाइल में अगर पॉसिबल हो सकता है तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स तो हम कर सकते हैं मोबाइल में, आपको ऑनलाइन कंपाइलर भी मिल जाएंगे, जावा का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ड्रॉ कर रहे हैं वैसे फिल, उसमें भी वही चार पैरामीटर आ गए, और कलर कौन सा होगा, जो डिफॉल्ट कलर होता है वो होगा, और हम इसमें जो कलर है वो चेंज भी कर सकते हैं। जो फोर कलर हम लेंगे तो जो भी कलर हम फिल करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं, तो वो ऊपर हम सेट कर देंगे कि फोर कलर कौन सा होगा, इसमें पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैरामीटर बिल्कुल वही रहेंगे। तो ड्रॉ ओवल, तो सब फंक्शन ऐसे ही है, सिर्फ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ, और जब फिल भी करना है तो फिल। ड्रॉ लाइन, अब एक लाइन ड्रॉ होगी, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, गणित में हमें पढ़ाया जाता है कि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइन में एक तो शुरुआत का पॉइंट होता है, एक अंतिम लास्ट का पॉइंट होता है। इसका मतलब इस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सीधी सी बात है, तो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। तो लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये पास कर दिए, और हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी दो पॉइंट्स के बीच में। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वन वाई वन, दूसरे के एक्स टू वाई टू। सिंपल है। अब ड्रॉ लाइन में फिल लाइन है नहीं, क्योंकि लाइन में तो कुछ अंदर स्पेस तो है नहीं कि जिसको फिल करेंगे, लाइन तो फिल ही रहती है वैसे भी। ठीक है, इसकी विड्थ है वो हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन लाइन तो फिल ही रहती है, इसलिए फिल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर लाइन के बाद में आता है हमारा ड्रॉ इमेज। ड्रॉ इमेज भी हमने लास्ट में जो प्रोग्राम बनाया था प्रैक्टिकल में उसमें काम में लिया था। ये भी क्या पब्लिक टाइप का फंक्शन होता है, सब पब्लिक टाइप के ही हैं, क्योंकि ग्राफिक्स क्लास के फंक्शन है और काम में ले रहे हैं एप्लेट की एक्सटेंडेड क्लास में, एप्लेट की चाइल्ड क्लास में जो हम बना रहे हैं। तो ड्रॉ इमेज, अब ड्रॉ इमेज के अंदर क्या क्या पैरामीटर रहेंगे, पहला होगा इमेज आई एम जी। अब इमेज आई एम जी में क्या होता है, जहां पर इमेज है उसका पाथ आता है। अगर आपने जिस फोल्डर के अंदर प्रोग्राम बनाया है उसी फोल्डर में अगर इमेज को सेव किया है तो सिंपली आप इमेज का नाम लिख दो, अगर उसके अलावा किसी दूसरे फोल्डर में है तो आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। और आप अगर इंटरनेट से कुछ डिस्प्ले कराना चाहते हो उसकी यूआरएल यहां पर रख सकते हो आप। फिर आई एन टी एक्स और आई एन टी वाई, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है जहां से इमेज स्टार्ट होगी, जैसे रेक्टेंगल स्टार्ट हुआ था लेफ्ट अपर कॉर्नर, तो इस वाले कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स। और एक इमेज ऑब्जर्वर जो क्लास होती है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब देखेंगे ये क्या होता है। उसके बाद में आर्क ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, आर्क क्या होता है, देखिए ये सर्किल है,
अब ये पूरा सर्किल नहीं बना के सिर्फ इतना ही बनाना है हमें, इतना सा ये वाला, जैसे मान लो ऐसे ड्रॉ करना है इतना ही, ठीक है। तो ओवल में क्या हो रहा था, ओवल में तो पूरा ड्रॉ हो रहा था, सिर्फ आर्क ड्रॉ करना है, वो इतना सा भी हो सकता है और इससे पूरा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दोनों है, ड्रॉ आर्क और फिल आर्क, एक्स और वाई वही स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और ये विड्थ और हाइट इसकी, इसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, और अगर दोनों बराबर कर देंगे तब क्या एक सर्किल का पार्ट बन जाएगा ये। फिर स्टार्टिंग एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा इसका एंगल, और आर्क का एंगल, आर्क कहाँ तक ड्रॉ होगा, ठीक है। जैसे ये लेते हैं हम, ये स्क्रीन है, तो मान लीजिए ये यहाँ पर ये लाइन है वो 0 एंगल पर है, ठीक है। तो यहाँ से लेके कहाँ तक वो ड्रॉ होगा, कितने एंगल तक होगा, 45 डिग्री करना है, 90 करना है, 180 करना है, कितने एंगल तक उसको ड्रॉ करना है, वो 0 to 360 कर देंगे तो पूरा ये सर्किल बन जाएगा, ठीक है। सर्किल किस केस में बनेगा, अगर एक्स और वाई दोनों सेम हुए, सेम वैल्यू है तब, अलग अलग है तो पूरा ओवल बन जाएगा। तो ड्रॉ आर्क और फिल आर्क दोनों में पैरामीटर्स सेम ही है, डिफरेंस क्या है, ड्रॉ में सिर्फ लाइन ड्रॉ होगी इस तरह की, और फिल में क्या होगा, ये अंदर भी कलर फिल हो जाएगा इसमें। फिर आता है हमारा सेट कलर, हम अभी तक पढ़ रहे हैं फिल कि फिल कर देंगे, लेकिन कौन सा कलर फिल करेंगे, ठीक है ना। तो कलर हम यहां पर बताएंगे, तो कलर सेट कर रहे हैं इसलिए सेट कलर और कलर सी। अब इसमें देखिए, इसमें ग्राफिक्स वाला ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, इसके अंदर सीधा सेट कर देंगे, ये ग्राफिक्स का करंट कलर सेट कर देगा। फिर सेट फॉन्ट, अगर हम कुछ स्क्रीन पर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारे पास एमएस वर्ड में हम लिखते हैं तो उसमें रहता है कि टाइम्स न्यू रोमन या किस तरह के आपको फॉन्ट्स लेने हैं, तो वैसे यहाँ पर हम फॉन्ट्स भी बता देंगे किस तरह के फॉन्ट्स काम में लेंगे लिखने के लिए। तो ये हमारे ग्राफिक्स के कुछ फंक्शंस देखे हमने, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि इनको काम में कैसे लेंगे। तो हमारे पास ग्राफिक्स का एक फंक्शन है, ऊपर की जो लाइंस हैं, ये दो लाइन आप देख रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट, जैसे सी सी प्लस प्लस में इंक्लूड करते हैं तो जावा में इंपोर्ट लिखते हैं। फिर कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है, देखिए तो ये पूरा वर्ड जावा जो लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाम है पैकेज का, पैकेज होता है, और एक पैकेज के अंदर खूब सारे सब पैकेज हो सकते हैं, और सब पैकेज के अंदर खूब सारी क्लासेज हो सकती है। तो जावा, जावा पैकेज के अंदर इसका सब पैकेज है एप्लेट, और एप्लेट के अंदर एक क्लास है एप्लेट। अब देखिए क्लास का कैसे पता चलेगा, क्लास का जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल है, ए कैपिटल है यहाँ पर, बाकी देखिए इनमें स्मॉल था। तो ये तो है पैकेज और ये है क्लास, तो सिर्फ एप्लेट क्लास लेनी है इसलिए एप्लेट का नाम लिख दिया। अब यहां पर क्या है, ए डब्ल्यू टी जो ग्राफिक्स वाला पैकेज है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, तो जावा पैकेज, ए डब्ल्यू टी पैकेज, और ये स्टार, तो ये आपने डेटाबेस में भी देखा होगा जब एट्रीब्यूट्स है वो सारे सेलेक्ट करने होते हैं तो हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है। और अगर पर्टिकुलरली कुछ लेना है तो उसका नाम लिखते हैं। तो ऊपर वाली लाइन में हमने सिर्फ एप्लेट क्लास लिए इसलिए एप्लेट क्लास का नाम लिख दिया, लेकिन नीचे वाली में हमने क्या किया है, यहां पर सारी की सारी क्लासेज जो AWT सब पैकेज के अंदर हैं वो सब ले ली इसलिए हमने स्टार लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में आता है पब्लिक क्लास ग्राफिक्स डेमो एक्सटेंड्स एप्लेट, पब्लिक टाइप की हम क्लास बनाएंगे, क्या बना रहे हैं इसलिए क्लास बना रहे, तो क्लास ग्राफिक्स डेमो हमारी क्लास का नाम है, ये हम हमारे
हिसाब से कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं। नाम कैसा होगा, हमारा प्रोग्राम का काम क्या है उसी के अकॉर्डिंग नाम होगा, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि प्रोग्राम किस लिए लिखा गया है। एक्सटेंड्स एप्लेट, ये जो एप्लेट लिया है क्लास, ये वाली एप्लेट है, इस एप्लेट को हम एक्सटेंड्स करेंगे, तो इस एप्लेट की चाइल्ड क्लास बनेगी, उस चाइल्ड का नाम क्या होगा, ग्राफिक्स डेमो। उसके बाद में हमारा फंक्शन आता है एप्लेट की लाइफ साइकिल में। बाकी मैंने बताया था कि बाकी जो मेथड्स हैं लाइफ साइकिल में एप्लेट में, वो अपने आप कॉल हो जाएंगे, ठीक है, और आप अगर उनमें कुछ स्पेसिफिक कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आप उनकी बॉडी में वो कोड लिख सकते हैं। मेन जो हमारा काम होता है वो पेंट में होता है, तो ये हमारा पेंट मेथड है, और जैसा कि मैंने बताया ये ग्राफिक्स क्लास का है, इसलिए ग्राफिक्स क्लास का स्मॉल जी ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये कर्ली ब्रेसेज, यहाँ से इसकी मेथड की बॉडी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हमने किया जी डॉट सेट कलर और कलर डॉट रेड, तो हमने जो फोरग्राउंड कलर है वो रेड हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब कोई भी शेप ड्रॉ होगी, कुछ भी लिखा जाएगा या कुछ भी फिल किया जाएगा तो उस पर रेड कलर रहेगा। फिर जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग को ड्रॉ कर दिया और स्ट्रिंग में क्या लिखा, वेलकम, तो ये आ जाएगा डबल कोट्स में। और स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे ये हमारा डिस्प्ले है तो यहाँ से, यहाँ जो वेलकम लिखना चालू करेंगे तो ये इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये एक्स और वाई, जो वैल्यू हमने 50-50 दी है। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे 20-30 से 20-300, इसका मतलब 20-30 अगर ये पॉइंट हुआ तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 20 रखा है, इसका मतलब एक्स तो 20 रहेगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो ये वर्टिकली लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये वर्टिकली हो जाएगी ऐसे, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 30 है और यहाँ 300 हो गया। फिर हमने एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल भी मैंने बताया था ये एक्स कोऑर्डिनेट 70 और 100 और ये विड्थ और हाइट, तो विड्थ और हाइट हमने 30-30 रखा है, तो यहाँ पर क्या स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। फिर जी डॉट फिल रेक्ट, ऊपर ड्रॉ किया यहाँ फिल किया है, तो इसमें कलर भी फिल किया हुआ रहेगा, पूरा रेड हो जाएगा और ऊपर वाला ऐसा रहेगा बीच में खाली। फिर ड्रॉ ओवल, यहाँ ओवल ड्रॉ कर दिया। फिर हमने सेट कलर, कलर है उसको पिंक कलर कर दिया। फिर आगे फिल ऑल कर दिया तो आपकी बार कलर पिंक वाला आ जाएगा। फिर ड्रॉ कर दिया, फिर आर्क कर दिया, ठीक है, ये हमारा पेंट मेथड क्लोज हो गया और ये हमारी क्लास ग्राफिक्स डेमो। फिर HTML के अंदर कैसे एम्बेड करेंगे इसको, तो myapplet.html ये हमने फाइल बनाई है, ये HTML टैग या HTML क्लोज, बॉडी बॉडी क्लोज, ये एप्लेट टैग और एप्लेट क्लोज, एप्लेट कोड और यहाँ पर उसका नाम जो हमारी क्लास का नाम है, और क्लास का नाम है वही हम उस फाइल का नाम रखेंगे, और डॉट क्लास, डॉट क्लास जिसमें बाइट कोड होगा, वो फाइल जनरेट होगी हमारा प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद में, ठीक है, तो बाइट कोड से हमारा आउटपुट आता है, इसलिए ग्राफिक्स डेमो डॉट क्लास, और ये जो हमारा विंडो खुलेगा एप्लेट का उसकी विड्थ और हाइट रहेगी। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम रहेगा और ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से इसका आउटपुट होता है, एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और इसका ये आउटपुट दिखाया हुआ है, ये मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में करके दिखाया था। तो इसके बाद में जो वीडियो होगा उसमें हम ग्राफिक्स के जो ये मेथड्स हैं ये भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे।
तो आप साथ में प्रैक्टिकली करके इनको देखिए, तभी ये समझ में आएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये देखिए पांचों मेथड्स हैं एप्लेट के लाइफ साइकिल के, जैसे यहाँ लाइफ साइकिल बता रखा है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेथड्स हैं और ये हम देख ही चुके हैं। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है प्रैक्टिकली आप करोगे तो जेडी के कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है सिस्टम को, पाथ कैसे सेट करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर सकते हैं। फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियो डेली आते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप नीचे कमेंट्स हैं उनमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।